इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एक स्पोर्ट और आधे यूक्रेन की जल समाधि 6 जून की सुबह होने से पहले काखोवका डैम में एक विस्फोट हुआ और ईस्टर्न यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में समा गया। यूक्रेन में बहुत भयावह हालात हो गए हैं, बड़े स्तर पर विनाश दिखाई दे रहा है, लेकिन अगले 48 घंटे में ऐसा विनाश चक्र शुरू हो सकता है जो पूरे यूरोप के लिए अस्तित्व का संकट बन जाएगा। काखोवका डैम में पानी बहुत तेजी से कम हो रहा है और घटते जल स्तर के साथ ही एटमी खतरा भी बढ़ता जा रहा है। देखिए यूक्रेन से आई विनाश की तस्वीरें और इन तस्वीरों के पीछे छिपे विश्व विनाशक खतरे की सच्चाई क्या है वो भी जानिए। जिस महाविनाश की आशंका बीते साल से जताई जा रही थी वो सच साबित हो गई। आधे यूक्रेन में प्रलय जैसे हालात बन चुके हैं क्योंकि उसका सबसे बड़ा डैम ध्वस्त हो चुका है। नावों का खोखवा का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है और डैम के किनारे पर बनी हाइड्रो पावर प्लांट की इमारत पानी की रफ्तार से गिर चुकी है। डैम टूटने के बाद ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में हर तरफ पानी ही नजर आ रहा है। नोवा का खोखवा डैम यूक्रेन के खेरसोन शहर में है। नीपर नदी पर बने इस डैम पर काखोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना हुआ है। 5 जून की रात के एक सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि डैम के दो गेट खुले हैं। सर्विलांस कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। तभी डैम पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जबरदस्त धमाके के बाद ऊंची लपटें उठती हैं और चिंगारियां नजर आती हैं। कैमरे में सिर्फ काला धुआं रिकॉर्ड होता है। इसके बाद वाले वीडियो में नजर आता है कि धमाके से डैम का कितना बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। धमाका होते ही लाखों करोड़ गैलन पानी से भरे रिजर्वॉयर से निकली लहरों ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। डैम टूटने से तेज रफ्तार से पानी निकला और लहरें धरती से इतनी तेजी से टकराने लगी जिनसे बम धमाके जैसी आवाजें आईं। पानी की रफ्तार से काखोवका हाइड्रो पावर प्लांट देखते ही देखते तबाह हो गया। डैम विस्फोट के कुछ ही घंटों बाद आसपास के पूरे इलाके में पानी नजर आने लगा। विनाशक लहरों ने कुछ ही घंटों में विस्फोट के बाद बचे खुचे डैम को भी तबाह कर दिया। पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि कुछ ही घंटों के अंतर में काखोवका डैम का जो हिस्सा पानी के ऊपर नजर आ रहा था वो भी दिखाई देना बंद हो गया। नोवा काखोवका डैम में विस्फोट होने के कुछ ही घंटे बाद काखोवका शहर आधे से ज्यादा डूब गया। सूखी जमीन पानी में समा गई और शहर में हंस तैरते नजर आने लगे। डैम से निकले पानी ने कुछ ही घंटों के भीतर खेरसोन क्षेत्र के कई रिहायशी इलाकों को घेर लिया और हर तरफ पानी नजर आने लगा। खेरसोन के कई निचले इलाकों में पानी का स्तर 10 फीट से ज्यादा पहुंच गया। एक मैप के जरिए समझिए कि काखोवका डैम टूटने के बाद कुछ ही घंटों में खेरसोन और आसपास के इलाकों का क्या हाल हुआ है।
तस्वीरें तब की हैं जब काकोकवा डैम से पानी नियंत्रण के साथ छोड़ा जा रहा था और ये डैम विस्फोट के बाद की तस्वीरें हैं। देखिए कितना बड़ा क्षेत्र पहले सूखा हुआ था और अब डैम तबाह होने के बाद कितना बड़ा इलाका पानी में डूबा नजर आ रहा है। ये ना रोका जा सकने वाला विनाश शुरू हुआ एक विस्फोट के साथ। और आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल नोवा काकोवका डैम है किस तरह का, कितना नुकसान इसे हुआ है, ग्राफिक के जरिए समझिए। नोवा काकोवका डैम पर 5 जून की रात 2:05 पर एक धमाका हुआ। जबरदस्त धमाके से 28 गेट वाले डैम के 14 गेट तबाह हो गए। पानी बहुत तेज रफ्तार से बहने लगा। नोवा काकोवका डैम की ऊंचाई 30 मीटर है और इसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर है। वर्ल्ड डेटा सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की संस्था ने कहा है कि कुछ घंटों में यूक्रेन के 100 कस्बे और शहर पूरी तरह बाढ़ में डूब गए। हर घंटे में डैम का 15 सेंटीमीटर जल स्तर घट रहा है। अगले 48 घंटे के भीतर खेरसौन के आसपास वाले इलाकों में 40 फीट की ऊंचाई तक बाढ़ का पानी जमा हो सकता है। बाढ़ से विनाश हो ही रहा है। अब ज़ापोरिज़्या के न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर विस्फोट का खतरा भी बढ़ गया है। यूक्रेन का आरोप है कि काकोवका डैम की तबाही के पीछे रूस का हाथ है। यूक्रेन ने कहा है कि रूसी फौज ने यूक्रेन के शहरों को डुबोने के लिए काकोवका डैम पर हमला किया है, जबकि क्रेमलिन ने कहा है कि रूसी फौज ने डैम को टारगेट बनाकर कोई हमला नहीं किया है। लेकिन काकोवका डैम के गिरते ही एटमी विनाश का खतरा मंडराने लगा है। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 6 जून को आपात बैठक बुलाई। ये बैठक 11 घंटे से ज्यादा चली। दरअसल नीपर नदी पर बने इस डैम का सीधा कनेक्शन ज़ापोरिज़्या के न्यूक्लियर पावर प्लांट से है। काकोवका डैम जिस नीपर नदी पर बना है उसका रिजर्वायर 18 मिलियन क्यूबिक मीटर का है और ज़ापोरिज़्या तक फैला है। इसी डैम के रिजर्वायर से जुड़ा है ज़ापोरिज़्या के न्यूक्लियर पावर प्लांट का कूलिंग सिस्टम। इस सैटेलाइट तस्वीर में ज़ापोरिज़्या पावर प्लांट के 6 रिएक्टर दिखाई दे रहे हैं। इन रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम चलाने वाला बड़ा सा जलाशय भी दिखाई दे रहा है। काकोवका से ज़ापोरिज़्या तक फैले इस रिजर्वायर से ज़ापोरिज़्या के कूलिंग सिस्टम चलते हैं। 4 मार्च 2022 से ये प्लांट रूस के कब्जे में है। एनिमेशन में नजर आ रहा ये बड़ा सा गोला इन छोटी केनाल के जरिए सीधे रिएक्टर तक पानी पहुंचाता है, जिससे रिएक्टर में भरा न्यूक्लियर फ्यूल पिघलने से रोका जाता है। लेकिन अब इस प्लांट को कूलिंग के लिए पानी कम पड़ने का खतरा गहराता जा रहा है, क्योंकि काकोवका डैम से 15 सेंटीमीटर पानी प्रति घंटे घट रहा है। इस हिसाब से 24 घंटे में 3.6 मीटर पानी घट जाएगा। अगर पानी इसी रफ्तार से बहा तो 48 घंटे में काकोवका रिजर्वायर का पानी 13.2 मीटर नीचे चला जाएगा। पानी 12.7 मीटर घटने से रिएक्टर्स के कूलिंग सिस्टम को पानी मिलना बंद हो जाएगा और उनमें विस्फोट हो सकता है। नवंबर 2022 में जब रूस ने खेरसौन खाली किया था तब काकोवका डैम के 2 गेट तबाह हो गए थे। तब अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर डैम का जलस्तर 13.2 मीटर से नीचे गया तो रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। नवंबर 2022 में जब रूस ने खेरसौन खाली किया था तब काकोवका डैम के 2 गेट तबाह हो गए थे। तब अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि जल स्तर 13.2 मीटर से नीचे गया तो रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। काकोवका रिजर्वायर के पानी को इस वक्त रोकना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि धमाके से डैम का जो हिस्सा तबाह हुआ है वो सबसे अहम है।